हाय फ्रेंड्स, मैं हूं इला पचौरी। जीडब्ल्यूसी के क्वीन ऑफ किचन कॉन्टेस्ट में मैंने अपनी एक विनिंग एंट्री भेजी थी, संतरे का इंस्टेंट अचार या इंस्टेंट ऑरेंज पिकल। इस रेसिपी से मुझे वहां पे फर्स्ट प्राइज मिला। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूं जल्दी से कि ये रेसिपी कैसे बनती है। बहुत ही यम्मी होती है, इसमें खूब विटामिन सी है और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। तो यहाँ पर मैंने दो संतरे छील के रख लिए हैं, दो हरी मिर्च मोटी वाली मैंने काट के रख ली है, साथ में मैंने राई, कलौंजी, सौंफ, मेथी और जीरा रख लिया है। इसमें सिर्फ तीन मसाले पड़ते हैं, नमक, हल्दी और मिर्च, और साथ में फ्लेवरिंग के लिए थोड़ी सी शुगर। तो अब जल्दी से मैंने यहाँ पर गरम किया हुआ है आधा कड़छी तेल। ये तेल गरम हो चुका है, इसके अंदर मैंने जीरा, राई, सौंफ, कलौंजी और राई, ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। मंथली आज पर जब ये रोस्ट हो गए तो मैंने इसके अंदर ये संतरा डाल दिया। अब मैं थोड़ी देर संतरे को गलाऊंगी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं संतरे इसमें जाके। और एक तरफ इसमें मैं ये जो मिर्चे हैं उनको अलग से डाल के भून दूंगी। बहुत कलरफुल और फ्लेवरफुल पिकल है। इस अचार को हमारे घर में हम लोग अजवाइन के पराठे के साथ खाते हैं, और जिस दिन मैं ये अचार बनाती हूँ उस दिन मेरे फैमिली में कोई भी सब्जी नहीं मांगता है। अब ये हल्के हल्के से ये संतरे गलने लग गए हैं। विद इन मिनट ये संतरे हल्के हल्के गल जाएंगे, तो हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, ये मिर्च, हल्दी डाल देंगे और मिर्च डाल देंगे, और इसको फिर से थोड़ा पकाएंगे। बस ध्यान रखिए मसाले जले नहीं आपके। ये देखिए कैसा लग रहा है अचार। आप मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने शुगर डाल दी है, और शुगर जब तक पिघलती नहीं है मैं इसको मंदे आंच पे ही पकाऊंगी ताकि शुगर और मसाले ना जले। और ये लीजिए, ये बन गया आपका अचार। इसको अब मैं शिफ्ट कर देती हूँ एक बोल के अंदर। और ये लीजिए, ये बन चुका है आपका अचार, संतरे का इंस्टेंट अचार। इसको बनाइए और अपनी फैमिली से बहुत वाह वाह भी पाइए। बाय बाय।